The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Iron deficiency anemia India ke andar sabse common reason jo commonest cause hai खून की कमी का वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सो आयरन डेफिशिएंसी कब होती है? ऑब्वियसली आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग जो आपका हीमोग्लोबिन बनाते हैं. हीमोग्लोबिन के अंदर पोरफायरिन आयरन पोरफायरिन रिंग होता है तो उसको बनाने के लिए आयरन चाहिए. और अगर आयरन ही कम है तो आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स में इनफ हीमोग्लोबिन नहीं होगा. हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रैप करके लेके घूमता है तो आपको हो जाएगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. नो क्या कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का? ऑब्वियसली देखिए रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज की जो उम्र है जो उनकी एज है वो होती है 3 to 4 months. आपकी बॉडी में 3 to 4 months 120 डेज अप्रोक्सीमेट मान के चलिए वो होती है उनकी उम्र. और आपकी बॉडी में एक स्प्लीन नामक चीज होती है. स्प्लीन स्प्लीन का मतलब लिवर राइट में है स्प्लीन लेफ्ट में है ये ऑर्गन है. जो भी आरबीसी की उम्र हो जाती है या वो खराब हो जाते हैं या टूट फट जाते हैं वो स्प्लीन में चले जाते हैं. और वो एक वेयर हाउस है एक मान लो रिसाइकल हाउस है जो उसको रिसाइकल कर लेता है. बेसिकली उसको और ज़्यादा तोड़ के उसके जो इंग्रेडिएंट्स है प्रोटीन्स है उसमें वो बना देता है तो रिसाइकल कर देता है. सो स्प्लीन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक एनीमिया वाले केस में देखना चाहिए. अगर स्प्लीन बहुत बड़ी है स्प्लीन एनलार्ज्ड है तो फिर वो इन केस ऑफ दैट एनीमिया सीवियर एनीमिया के अंदर हो सकता है या उसमें हीमोलिटिक एनीमिया एक कॉज हो सकता है. आयरन ब्लड में और भी बहुत जरूरी है इसी के लिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो बहुत ही कॉमनली देखा जाता है एक कॉमन और डेंजरस बीमारी है. आयरन के वाले में याद रखिए कि ज्यादातर केस में आयरन अगर आप नहीं ज्यादातर केस में कारण होता है आयरन नहीं डाइट में होना डाइट में कम आयरन होना. और दूसरा होता है अगर आयरन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही किसी कारणवश आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है क्रॉन्स डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस है वॉट एवर इट इज उसके वजह से आयरन सही से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा. तो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा देर इज अ प्रॉब्लम राइट. या फिर मान लीजिए बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन आप इनफ खा ही नहीं रहे ठीक है. या फिर आपके ब्लड के सेल्स लूज हो रहे हैं बार बार जितने आयरन से बन रहे हैं खून के सेल बन रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा लूज हो रहे हैं ब्लीडिंग हो रही है हीमोलिसिस हो रहा है ब्लड के सेल्स टूट वॉट एवर इज हैपनिंग उससे ज्यादा स्पीड में हो रहे हैं राइट. या फिर अगर आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन रिक्वायर हो गया जैसे कि प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी होता है ब्लीडिंग में आयरन डेफिशिएंसी होता है आपको एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम में आयरन डेफिशिएंसी होता है और आयरन की कमी है आयरन की कमी में आयरन डेफिशिएंसी होता है. ये सारे कारण हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया राइट. ब्लीडिंग ब्लीडिंग से कैसे होगा कहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है? मान लो आपको मेंसेस ज़्यादा आ गए ज़्यादा मेंसेस बहुत लड़कियों को आते हैं जय हो उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है. मान लो आपके शरीर में कहीं पेट में अल्सर है या पेट में कैंसर है कैंसर भी हो सकता है इंटेस्टाइन में कहीं पर वो ब्लीडिंग कर सकता है. लैटरिन काली आ रही है लैटरिन में खून आ रहा है वो हो सकता है. लिवर के केस में इसोफेजियल वराइसिस है या सिरोसिस है लिवर का तो इसोफेजियल वराइसिस अंदर से ब्लीडिंग पाइल्स है ब्लीडिंग हो सकता है. या फिर आप कोई खून पतला करने की दवा ले रहे हो एस्पिरिन ब्रूफिन ऐसी कोई दवा ले रहे हो जिससे भी आपको ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं या जिससे अल्सर हो सकते हैं पेट में अल्सर से ब्लीडिंग हो सकता है. तो सोचो बहुत सारे एंगल्स देखने होते हैं एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट में. फिर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम कब होगा? आपको सीलिएक डिजीज क्रोन्स डिजीज गैस्ट्रिक बाईपास या फिर बहुत ही ज्यादा एंटासिड्स या एंटीबायोटिक्स लेने से आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम कम पावर कम हो सकता है. सो अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है कोई सीलिएक डिजीज इंटेस्टाइनल डिजीज है तो आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है. या फिर अगर आप आयरन ही नहीं खा रहे हो जैसे अगर आप सब्जियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट में आयरन की थोड़ी कमी हो जाती है. नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज आर अ गुड सोर्स ऑफ आयरन ये सच्चाई है और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस को कम हो सकती है.
और अगर आप बाकी आयरन कंटेनिंग फूड कम खाते हो, बेसिक चीज है, राइट। सो क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, तो सेम चीजें होंगी आपके सिम्टम्स, एनीमिया, जैसे वीकनेस होगी, फीलिंग होगी, डिजीनेस, हेडेक, चक्कर, कभी पाल्पिटेशन, कभी कॉन्सेंट्रेशन, थिंकिंग प्रॉब्लम, राइट, कभी आप, और कुछ साइंस भी आ सकते हैं, अगर दिक्कत बढ़ती गई तो नेल्स में ब्रिटल नेल्स हो जाएंगे, कई बार आपके ब्लू कलर आ जाएगा, व्हाइट आईज के व्हाइट पार्ट्स क्लेरा में ब्लू कलर आ जाएगा, आपके खाने पीने का डिजायर जो है, मतलब आपको उल्टा सीधा खाने की मन करेगा आयरन डेफिशिएंसी में, पाइका, पाइका बोलते हैं इसको, कि भाई मिट्टी खाना है, चौक खाना है, जो नहीं खाने वाली चीजें उनको खाने का मन कर रहा है, आपका स्किन कलर व्हाइट होना शुरू हो जाएगा, जबान पिंक से व्हाइट होनी शुरू हो जाएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, माउथ, मुंह में अल्सर, मुंह में छाले, सांस में दिक्कत, जबान में छले छाले, अनकंट्रोल्ड लेग में स्पाजम्स, मूवमेंट, हेयर लॉस, ये सब होता है बना भाई साहब, कैसे, आयरन डिफिशियंसी से। यहां तक के अगर सिम्टम्स बढ़ते गए और ब्लीडिंग हो गया, तो ब्लीडिंग के साइन आएंगे हैवी मेंस्ट्रुअल मेंसेस, काली लैटरिन या लैटरिन में ब्लड क्लियर क्लियर, या फिर अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बिना समझे समझे वेट लॉस हो रहा है, या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है क्योंकि वहां पे छाला है, अल्सर है, तो वो भी हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी के केस में आपको डायग्नोस करना होगा उसको, ब्लड टेस्ट करके, कंप्लीट ब्लड काउंट करके, हीमोग्लोबिन, आपको आरबीसी, एमसीवी, एमसीएचसी, ये सब पता चल जाता है, वो सब बेसिकली आरबीसी के पैरामीटर्स है, रेटिकुलोसाइट पता चलते हैं काउंट की, भाई कितने हीमोग्लोबिन है आपके उसमें, रेटिकुलोसाइट्स कितने बन रहे हैं, प्रीमेच्योर हीमोग्लोबिन, और आप दूसरी चीजें भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो, बोन मैरो बायोप्सी करके आप डायग्नोसिस, अगर आपको क्लियर नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी है कि कुछ और है, तो बोन मैरो बायोप्सी एक बहुत बड़ा टेस्ट है लेकिन क्लियर कट डायग्नोसिस है। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टी आई बी सी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी हो तो, या हीमोग्लोबिन, या सॉरी हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो तो, फेरेटिन, फेरेटिन लेवल्स चेक करते हैं, सीरम आयरन चेक करते हैं, और आपके हेप्सिडिन लेवल्स चेक करते हैं, जो एक प्रोटीन रेगुलेटर है आयरन का बॉडी के अंदर, तो फेरेटिन, आयरन, हेप्सिडिन, टीआईबीसी, टोटल आयरन, और ये सब आयरन प्रोफाइल हो गया पूरा का पूरा। इसके अलावा अल्सर वल्सर ढूंढने के लिए कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, एंडोस्कोपी कर सकते हैं, आप फीकल स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड कर सकते हैं कि लैटरिन में खून तो नहीं आ रहा ऐसा बिना दिखे वाला, या फिर ब्लड लॉस का और कोई सोर्स, यूरिन, यूट्रस, इन सबको चेक कर सकते हैं, राइट, उससे पता करते हैं कि कहां से ब्लड लॉस हो रहा है, क्यों और कितना ब्लड लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन लेना पड़ेगा, आयरन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, आयरन रिच फूड लेना पड़ेगा, नॉन वेज खाना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। आयरन सप्लीमेंट ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, आयरन स्टोर्स बनाते हैं आपकी बॉडी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, और आपके डॉक्टर आपको आपकी आयरन सप्लीमेंट मेजर करने से पहले आपके आयरन लेवल चेक करना चाहेंगे, तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप आयरन नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज आयरन मुंह से लेने के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आयरन लेना आसान नहीं है, गैस्ट्राइटिस कर सकता है, स्टमक अपसेट कर सकता है, किसी किसी को उल्टी आती है, किसी को प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आपको इंजेक्शन से भी लगाया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमन है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन है, तो उनको वैसे भी एक्स्ट्रा आयरन लेना चाहिए, ऑलरेडी दिया जाता है कई लोगों के लिए, और आपका हीमेटोक्रिट रेगुलरली एक बार बीच में देख लेते हैं कि वो नॉर्मल आ जाना चाहिए 6 हफ्ते के अंदर अंदर, जैसे ही आपने आयरन थेरेपी लेनी शुरू करी। इसके अलावा याद रखिए आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें आयरन इसके सप्लीमेंट से हो सकते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। और आयरन रिच फूड कौन से है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आयरन रिच फूड कौन कौन से है, चिकन, टर्की, आपका ड्राइड लेंटिल्स, पीज यानी दालें, आपकी बीन्स, और फिश, फिश आयरन रिच है, और मीट, लिवर, लिवर इज हाईएस्ट सोर्स, लिवर, मीट, अगर लिवर खाते हैं किसी का उसके बाल, कलेजी, कलेजी बेसिकली लिवर, और सोयाबीन, बेक्ड बीन्स, चिक पीज, जो वो है चिक पीज, सोयाबीन, ये भी अच्छे हैं, होल ग्रेन ब्रेड वो भी अच्छा है। सो वेजिटेबल्स वाले जो हो वो थोड़ा सा आयरन में कम हो जाता है। फिर दूसरे सोर्स है ओट्स, ओट मील्स, यस, रेजिन्स, एप्रिकॉट,
पीनट्स, प्यूरिन्स, ड्राई फ्रूट्स, अपना स्पिनिच है, केल, ये सब बहुत अच्छे हैं आयरन फ्रूट्स। और एक और चीज का ध्यान रखना है, विटामिन सी। विटामिन सी आयरन के साथ लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विटामिन सी हेल्प करता है आयरन को सही से एब्जॉर्ब होने में। तो विटामिन सी के गुड सोर्सेज ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, टोमेटोज, ये सब आपको अपनी डाइट में रखने चाहिए। रिमेंबर, आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना है तो अच्छे से इस तरीके के खाने खाइए, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। हो गई है तो ठीक करने के लिए सप्लीमेंट ले लीजिए, चेकअप कराइए, राइट?